फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एसएसटी का एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है कहेंगे, क्योंकि एसएसटी में हमारे तीन सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। तो ये तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो एक को पढ़ेंगे और ये पूरी दुनिया में जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं अगर देखा जाए तो सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी चीज़ से कनेक्टेड है, चाहे पॉलिटिक्स, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिलोसफी हो, कुछ भी हो। तो यहाँ आज हम एक्चुअली देखेंगे, ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझते हुए, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊँचा नहीं रहेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहली बात, ज्योग्राफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसका जो मेन उद्देश्य है, फर्स्ट टॉपिक क्या कहा जाए कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वी नीड टू डिस्कस ज्योग्राफी, या कहें कि व्हाई वी नीड टू लर्न ज्योग्राफी, यानी हमें ज्योग्राफी पढ़नी क्यों चाहिए, सीखनी क्यों चाहिए। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि मान लीजिए आप घर से ही शुरुआत करते हैं कि आपके घर घर कैसा हो, घर का स्ट्रक्चर कैसा हो, घर में कोई चीज कहाँ रखनी है, कहाँ ठीक लगेगी। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें यदि ज्योग्राफी पता होगी, मेजरमेंट ज्यादा ऊंचे लेवल पर नहीं देखा जाए, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजों को देखा जाए। जैसे न्यूज ही पढ़ते हैं आप, मान लीजिए न्यूज से स्टार्ट कर लेते हैं, आप न्यूज पढ़ते हो डेली, ठीक है, तो आप न्यूज पढ़ते हो, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी नहीं पता होगा तो आपको न्यूज में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप कहीं ट्रैवल के लिए जाते हो, ठीक है, घूमने के लिए जाते हो, और अगर आपको ज्योग्राफी पता है कि ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, तो आप उस ट्रैवल का पूरी तरह से आनंद उठा पाओगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ट्रैवल, आप ट्रैवल करोगे, वहाँ का कल्चर जानोगे। ज्योग्राफी हमें क्या बताती है, देश हर हमारी इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का कल्चर बताती है, वहाँ की लैंग्वेज बताती है, वहाँ के लोगों का खान पान, हर तरह की चीज़ें हमें बताती है। और ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सारी चीज़ों को मिला के सब में रहता है। लेकिन ज्योग्राफी के अंदर क्या है, हम अपनी, सबसे पहले हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, इसका क्लाइमेट कैसा है यहाँ, और जब ट्रैवल करते हैं तब भी यही चीज़ पता चलती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इसलिए वहाँ के लोगों का खान पान ऐसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज्योग्राफी के अंदर आती हैं, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, मतलब देखा जाए तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक हम सोते हैं और रात में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ हम ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं। तो यदि इसे हम अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर दें तो इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, और जो टीचर हैं उनको भी, स्टूडेंट को ज्योग्राफी पढ़ाते समय इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें पढ़ाते समय ऐसा नहीं लगे कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। इस तरह से शुरुआत की जाए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो क्या करोगे आप, पहले, सबसे पहले क्लास के रूम से ही स्टार्ट करते हैं। रूम में आप देखोगे कि कितने आपके क्लास में कितने, मतलब एक जगह के बच्चे तो होंगे नहीं, कई सारे स्टेट से बच्चे होंगे, तो आप उनसे पहले बातचीत से शुरू कर सकते हो कि भाई आप कहाँ से हो, आपके यहाँ क्या पहना जाता है, क्या खाना खाने के बच्चे बहुत शौकीन होते हैं, तो आपके स्टेट का फेवरेट फूड क्या है, मतलब आपको क्या खाने में पसंद है, आपकी मम्मी रेगुलरी बेस पे जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी, क्या बनाती है, इस तरह से आप बात कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि चलो हम आज इस स्टेट को घूमने चलते हैं, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे क्लास में बैठे बैठे कैसे घूम सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन क्लास हो गई है, फिर तो और भी मुश्किल है, लेकिन
मुश्किल नहीं, हर चीज की ना देखने का पर्सपेक्टिव होता है, यदि आप उसे देखो तो और आसान हो गया है। क्लास में बैठे बैठे हम पूरे स्टेट क्या पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट है हमारे पास। तो इस तरह से बच्चों को बता के दिखा के फिर उनका मन करेगा कि हाँ ये तो मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। तो ये ईवीएस, यदि आप प्राइमरी पीआरटी की केवीएस, यदि आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यदि आपका सब्जेक्ट ईवीएस है, यानी कि एसएसटी सेकेंडरी लेवल में एसएसटी और प्राइमरी में ईवीएस है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा मज़ा लेके पढ़ते हैं बच्चे, यदि उनको आपको पढ़ाने का तरीका ठीक से आता है। तो मैं कल 6th क्लास से स्टार्ट करूँगी, एनसीईआरटी बुक्स लेके स्टार्ट करूँगी, और क्योंकि मेन फोकस हमारा केवीएस एग्ज़ाम रहेगा, इसलिए मैं 6th क्लास से स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि आपने इससे पहले सीटेट पास किया होगा तो उसमें आप पढ़ ही चुके होंगे, और 3rd, 4th, 5th में ज़्यादा कुछ ऐसा रहता नहीं है, आप पढ़ लोगे, एक बार एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। यदि समय रहा तो मैं वो भी डाल दूंगी, लेकिन एक्चुअली समय की समस्या रहती है, तो मैं शुरू करती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा कोई इरादा नहीं है, इस बार पूरा करके ही बंद करूँगी, मतलब पूरा करके ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ मैं 6th क्लास की बुक लूँगी, लेकिन इसके बाद का जो वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करूँगी, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसी से यही बताना था कि ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से, उसमें डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप यदि केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एसएसटी की पढ़ाई करनी है ईवीएस की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके साथ कोई है तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।